क्लास 8 चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, मींस मल्टीप्लाई करना है। बाइनोमियल्स मींस ये टू टर्म है जो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो अभी देखिए, फर्स्ट पॉइंट है 2x + 5 4x - 3। ओके, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 5 एंड की प्लेस पर लगाएंगे मल्टीप्लाई 4x - 3। अब इसका बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि किस तरीके से करना है। अब ये देखिए 2x है और यहाँ 5 है, तो मीन्स ये जो 2x है पहले तो इसका पूरा ब्रैकेट में करेंगे और जो 5 है उसका भी पूरा ब्रैकेट में करेंगे। गॉट इट, 2x। ओके, अब यहाँ पे पूरा ब्रैकेट, फुल ब्रैकेट 4x - 3। ओके, अब क्या है +5। ओके, +5 है, सेम कंडीशन है कि जैसे कि अपने 2x में फुल ब्रैकेट राइट किया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सेम कंडीशन 5 में भी फुल ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, बात समझ में आई, ब्रैकेट क्लोज। अब कंडीशन वही जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2x का 4x में, 2x का ही 3 में। अब इस ब्रैकेट के बाहर 5 है, इसका 4x में और उसका 3 में। ओके, अब इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 4x - 2x - 3। ओके, अब यहां पे क्या है +5, 5 के मल्टीप्लाई में 4x, +-, -5 के मल्टीप्लाई में 3। ओके, अब अपन मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8, x की पावर 1 और x की पावर 1, मीन्स x की पावर कितनी हो जाएगी 2, माइनस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6x, +5 × 4 = 20, x है तो x, -5 × 3 = 15। अभी देखिए 8x² एज इट इज राइट करेंगे बिकॉज एक्स स्क्वायर वाली डिजिट अब अपने पास नहीं है। x और x दोनों है अपने पास, दोनों लाइक टर्म है, तो इनके डिजिट प्लस या माइनस हो सकती है। अब देखते हैं प्लस होगी या माइनस, प्लस के 20, माइनस के 6, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 14, और बिग डिजिट प्लस है तो आ जाएगा +-15। दिस इज आंसर। बी पॉइंट इज सेकेंड पॉइंट y - 8 and 3y - 4। देखिए सेम कंडीशन इसी तरीके से करेंगे y - 8 and 3y - 4। तो एंड की प्लेस पर क्या लगाना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर वाइनोमियल्स के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट जो टर्म है y के साथ फुल ब्रेकेट, फिर -8 उसके साथ भी फुल ब्रेकेट, ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। y राइट किया 3y - 4, y के साथ फुल ब्रेकेट आएगा। नेक्स्ट टर्म -8, इसके साथ भी फुल ब्रेकेट आएगा 3y - 4। ओके, ये कंडीशन हो गई। अब जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ना उसी तरीके से राइट करेंगे, y का 3y मल्टीप्लाई y का 4 में, 8 का 3y में और 8 का ही 4 में। तो y मल्टीप्लाई 3y माइनस y मल्टीप्लाई 4, -8 है तो -8 मल्टीप्लाई 3y। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज बाहर कितना माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज ये ब्रैकेट के अंदर है। ओके, प्लस आ गया 8 × 4। अभी देखिए y और y की पावर 2 हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे y की पावर 1 है, तो y की पावर 2 और 3 × 1 = 3। -4y का मल्टीप्लाई करेंगे 4y -8 × 3 = 24, 1y है तो 1y, +8 × 4 = 32, ठीक है, 3y². अभी देखिए अपन प्लस से माइनस करना है, वाई स्क्वायर और कहीं भी नहीं है, तो वाई स्क्वायर एज इट इज राइट कर देंगे। माइनस क्यों आया, ये देखिए ये भी वाई है ये भी वाई है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों को अपन प्लस या माइनस कर सकते हैं। आप देखते हैं प्लस हो रहा है या माइनस,
ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 24 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 28, और बिग डिजिट माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अब क्या बचा अपना 32, दिस इज आंसर। थर्ड पॉइंट इज 2.5L माइनस 0.5M, 2.5L प्लस 0.5M, तो एंड की प्लेस पर लगाएंगे मल्टीप्लाई, ओके इसको एज इट इज राइट कर देंगे 0.5M, ओके 2.5L प्लस 0.5M, ओके अब कंडीशन वही है कि किस तरीके से राइट करना है, ये बाइनोम में ऐसे टू टर्म है, ये भी टू टर्म्स है, तो किस तरीके से राइट करना है, फर्स्ट टर्म 2.5L, इसके साथ ये पूरा फुल ब्रेकेट आएगा जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 0.5 करेंगे, ओके माइनस 0.5M और नेक्स्ट ब्रेकेट 2.5L प्लस 0.5M, ओके अब किस तरीके से राइट करना है, इस 2.5 का 2.5 में ही करेंगे और इसका इसमें करेंगे, ठीक है फिर फर्स्ट का फर्स्ट में और फर्स्ट का ही सेकेंड में, ठीक है। अभी देखिए जो एरो बना है इस पर ध्यान दीजिए, 2.5L मल्टीप्लाई, इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2.5L, गॉट इट। अब क्या है प्लस, अब इसी का नेक्स्ट टर्म में 2.5L मल्टीप्लाई 0.5M, ओके यहाँ पे मैं लाइन बना रही थी, क्यों, क्योंकि पता चल जाए कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का ही करना है, ओके माइनस 0.5M का किससे मल्टीप्लाई 2.5L, बट अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, माइनस 0.5M मल्टीप्लाई 0.5M, ओके यहाँ प्लस नहीं है तो मैंने यहाँ राइट कर दिया। अब ये देखिए 2.5L और 2.5L दोनों सेम हैं, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, किस तरीके से पहले इनका मल्टीप्लाई करना है 2.5 और मल्टीप्लाई 2.5, मीन्स क्या होगा जो 25 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ना उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट वन लास्ट में लगाएंगे आंसर में। ये देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई कर ली, अब पॉइंट देखना है कहाँ लगेगा, वन के पहले टू के पहले, दोनों को काउंट करते हैं, मीन्स वन डिजिट और टू डिजिट के बिफोर पॉइंट है, तो टू डिजिट के बिफोर ही पॉइंट लगाएंगे आंसर में, वन टू यहाँ मीन्स टू डिजिट के बिफोर, टू डिजिट के बिफोर ही पॉइंट लगाएंगे, तो बस इसी तरीके से राइट करना है 6.25L और L, L की पावर वन, L की पावर वन कितनी हो जाएगी L की पावर टू, ठीक है 2.5 एंड 0.5 सेम कंडीशन में मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ पे टू वन डिजिट टू डिजिट, तो वन डिजिट टू डिजिट की बिफोर पॉइंट 1.25 आंसर, 1.25 इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे L है और यहाँ पे M है, L M, गॉट इट। अब यहाँ पे 0.5 और 2.5 सेम आ रहा है तो वही आएगा 1.25 L और M, ओके माइनस 0.5 और 0.5 का मल्टीप्लाई कितना होगा 5 5 से 25, यहाँ पे राइट के 25, बिकॉज यहाँ पे 0.5 0.5 तो आप उसको डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं, 5 5 25 और टू डिजिट के बिफोर पॉइंट है तो टू डिजिट के बिफोर पॉइंट लगा देंगे, ओके एम और एम की पावर दोनों में वन है तो वन और वन एम की पावर कितनी हो गई टू। अभी देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है एल एम और एल एम, ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट हो जाएंगे, ओके अब यहाँ पे 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर, ओके अब ये एल स्क्वायर ये एम स्क्वायर है तो ये अनलाइक टर्म है तो अपन को प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो यही अपना आंसर होगा, ओके दिस इज आंसर। फोर्थ पॉइंट इज ए प्लस 3b एक्स प्लस 5, तो एंड के प्लेस से मल्टीप्लाई लगाया, ओके सेम कंडीशन है ए राइट करेंगे, ओके तो और नेक्स्ट ब्रेकेट फुल और प्लस 3b और नेक्स्ट ब्रेकेट फुल, मीन्स ए के साथ भी x प्लस 5 आएगा प्लस 3b के साथ भी x प्लस 5 आएगा, ओके उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है a का x में a का 5 में, 3b का x में और 3b का ही 5 में, इसी तरीके से आप लोग एरो लगा कर राइट करना तो सही मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई x
प्लस और a के साथ ही 5, तो a मल्टीप्लाई 5 प्लस 3b मल्टीप्लाई एक्स, ओके प्लस 3b मल्टीप्लाई 5। a का एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax, 5 का a में करेंगे तो 5a प्लस 3bx, बिकॉज b और x अलग अलग हैं तो इसको एज इट इज राइट कर देंगे, 5 3 15 और 1b है तो 1b। अब ये देखिए सारे वेरिएबल अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, x, a, bx और b, ओके तो ये अनलाइन टर्म है तो इनको अपन प्लस नहीं कर सकते, तो यही अपना आंसर होगा। देखिए फिफ्थ पॉइंट इज 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड की प्लेस से मल्टीप्लाई 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ओके अब सेम कंडीशन है बाइनोमियल से, तो 2pq फर्स्ट टर्म राइट करेंगे, इसके साथ में ये सेकंड फुल ब्रैकेट आएगा pq माइनस 2q स्क्वायर, ओके अब है प्लस 3q स्क्वायर, इसके साथ ही फुल ब्रैकेट आएगा 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है। इतना राइट करने के बाद क्या होगा, और किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट टर्म में, ठीक है, और इसी का सेकंड टर्म में, ओके इसी का फर्स्ट टर्म में और इसी का सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई, तो 2pq मल्टीप्लाई 3pq माइनस 2pq मल्टीप्लाई 2q स्क्वायर, तो ये इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया, ओके अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ओके अभी देखिए ये डिजिट है ये डिजिट है, तो इतने का मल्टीप्लाई करना है, फिर ये अपने पास एक साथ है, फिर ये एक साथ है, फिर एक साथ है, ठीक है समझ आया। 3 2 6 अभी देखना है पी है और ये भी पी है, तो 1 and 1, तो पी की पावर कितनी होगी 2, सेम कंडीशन क्यू और क्यू, ये भी 1 ये भी 1, तो क्यू की पावर 2 माइनस 2 2 4 2 2 4। अब P देखते हैं इन दोनों में P सिर्फ यही है, यहाँ पे नहीं है, तो P एज इट इज, और यहाँ पे Q की पावर 1 Q की पावर 2, तो Q की पावर 2 एंड 1 कितनी हो गई 3, तो Q की पावर 3। नेक्स्ट टर्म में है प्लस, अब ये देखना है इन दोनों में 3 3 आ रहा है, 3 3 9, ओके अब Q की पावर 2 है, यहाँ P एंड Q, तो पहले P है तो पहले P राइट कर देंगे, अब Q की पावर 2 और Q की पावर 1, तो Q की पावर 2 और 1 3, माइनस ये माइनस, अब 3 2 6, अब Q की पावर 2 Q की पावर 2, तो मीन्स Q की पावर 2 और Q की पावर 2 टोटल 2 और 2 कितनी हो गई 4, ओके अब ये देखना है इसमें क्या प्लस क्या माइनस हो रहा है, ये देखिए ये दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों लाइक टर्म बन रहे हैं, पी क्यू की पावर 3 पी क्यू की पावर 3 सेम है, तो इनकी डिजिट प्लस या माइनस हो सकती है, तो इसको एज इट इज राइट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 5, पी क्यू की पावर 3 ये एज इट इज आएगा, और बिग डिजिट प्लस है तो प्लस माइनस 6 क्यू की पावर 4, ओके दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी देखिए एंड के प्लेस पे डायरेक्टली अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा ही देते हैं, ओके अब ये जो 3/4a² प्लस 3b² ओके और 4a² माइनस 2/3b², अभी देखिए सारे सम्स में ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट नहीं आ रही थी, इसमें ब्रैकेट के बाहर क्या है 4 है, ठीक है तो पहले 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करना पड़ेगा, उसके बाद में अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ओके तो इसको एज इट इज राइट कर लेते हैं, 3/4a² प्लस 3b² मल्टीप्लाई 4 का a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a², ओके अब ये माइनस है 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 2 8, बिकॉज जो न्यूमरेटर वाली डिजिट है न्यूमरेटर वाली डिजिट में ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ये 4 के डाउन जो 1 है वो डेनोमिनेटर में, तो 4 2 8 अपॉन में 3 1 3, अब यहाँ पे 2 है तो 2, ये फुल एक ब्रैकेट है, ओके अब अपने पास 2 ब्रैकेट आ गए, 4 के अंडर मल्टीप्लाई होगा, अब जिस तरीके से अपन करते हैं उसी तरीके से राइट करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे इसके साथ में फुल ब्रैकेट और सेकंड टर्म लेंगे इसके साथ भी फुल ब्रैकेट, ओके अब पहले क्या 3/4a² 3/4a² इसके साथ में ये फुल ब्रैकेट आएगा 4a² माइनस 8/3b², ओके अब क्या आएगा ये अब है सेकंड टर्म, ठीक है 3a 3/4a² के साथ में ये पूरा ब्रैकेट आया, अब है 3b² 3
बी स्क्वायर, इसके साथ ही फुल ब्रेकेट आएगा, फोर ए स्क्वायर। ओके, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन वही बन रही है जो फर्स्ट टर्म में किसान मल्टीप्लाई और इसी का सेकंड में। ओके, इसका फर्स्ट टर्म है और इसी का सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 ए स्क्वायर। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब ये माइनस है तो माइनस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 8/3 बी स्क्वायर। ओके, इतनी कंडीशन सोल्व हो गई, अब ये प्लस है तो ये प्लस लगाया। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस, ये माइनस लगा दिया। ओके, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई 8/3b स्क्वायर। ओके, अब इनका अपन करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये देखो, अगर इसके डाउन में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं, ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल। अब अपने पास बचा क्या, 3 और a की पावर 2 और a की पावर 2, 4 हो गई, मींस पावर प्लस हो जाती है अगर लाइक टर्म हो, 2 और 2 a की पावर 4। ओके, अब क्या है अपने पास, माइनस है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इतना टर्म अपन को सोल्व करना है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, मींस 3 बन जा 3। ओके, अब ये 4 से 8 कट हो रहे हैं, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। ओके, मींस अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, 2, यहाँ पे 2 आ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, यहाँ ओनली 2 है, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो ये तो अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसको एज इट इज राइट कर देंगे। ओके, अब अपने पास क्या है, प्लस, ठीक है। अब इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों में देखिए डिजिट 4 3 12, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग आ रहा है, तो इसको भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ओके, मैंने इसको पलट क्यों दिया, बिकॉज यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो पहले ए आता पहले बी आता, इसलिए इसको अरेंज करके राइट करेंगे। अब अपने पास क्या है, माइनस। ओके, माइनस है। अब ये देखिए सेम कंडीशन, 3 के डाउन 1, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और यहाँ तो 1 है तो 8 तो कट हो गए नहीं, तो 8 बी स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है, तो बी की पावर 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4। ओके, अब यहाँ देखिए 3a 4, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर दोनों लाइक टर्म बन रहे हैं, ठीक है। 12 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10, और बिग डिजिट प्लस की है तो प्लस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8b 4। ओके, दिस इज आंसर। अगर इसको वन टाइम और वीडियो आप लोग रिवाइज करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो थैंक यू।